हाय दोस्तों, मैं हूँ विजय वर्मा और मेकंड क्रिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी फोल्डर को लॉक कैसे करते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। दोस्तों, ये विंडोज़ में पहले से फीचर दिया है, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और एक फोल्डर बना देता हूँ और आप इसका नाम दे दीजिए। जैसे मैंने नाम दे दिया, विजय वर्मा। और दोस्तों, अब हमें क्या करना है, पहले दोस्तों मान लीजिए मैं ये दो चीज़ें इसमें डाल देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि इस पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ पर जाइए। देखिए, ये विंडोज़ ओपन हो गया है और अब हमें क्या करना है कि सिक्योरिटी टैब में जाना है, एडिट पर क्लिक करना है और हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है, तो देखिए ये सब अपने आप क्लिक हो गया है, सिर्फ इसे छोड़ के। अब हमें अप्लाई करना है और फिर यस और ओके ओके। तो दोस्तों, अब आप इसे ओपन करने का कोशिश करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा और न ही ये डिलीट होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डबल क्लिक किया, देखिए दोस्तों ये आ गया। अगर हम कंटिन्यू करेंगे, देखिए फिर भी ये क्लोज का ऑप्शन दे दिया है। और साथ ही साथ अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो देखिए ये नहीं होगा। जैसे राइट क्लिक, डिलीट, देखिए ये आ गया, फिर भी इसमें कंटिन्यू और स्किप का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप कंटिन्यू करेंगे, देखिए ट्राई अगेन कैंसिल का दे दिया। तो दोस्तों, इस तरह आप इसे लॉक कर सकते हैं। और अगर आपको इसे खोलना है तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और दोस्तों वापस वहीं पर चल जाइए, सिक्योरिटी में, एडिट में, और यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब हमें क्या करना है कि आप इन सभी को टिक हटा दीजिए। जैसे देखिए, देखिए दोस्तों, अब हमें अप्लाई करना है, ओके और ओके। तो अब आप इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये डिलीट भी हो सकता है। जैसे देखिए, डबल क्लिक करके ओपन हो जा रहा है और अगर हम इसे डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो गया। देखिए रिसाइकल बिन में दोस्तों आ गया ये, राइट क्लिक कीजिए और रीस्टोर। दोस्तों आप देख सकते हैं, इस तरह आप फोल्डर को लॉक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। और दोस्तों ये बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं कैसा वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।